हेलो गाइस, कैसे हो सारे। परम निशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया परसों और उसमें काफ़ी रिस्पांस अच्छा मुझे मिल रहा है। गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, रोहिणी में, और मेरा खुद का जो बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस है कार्स एंड बाइक्स डीलरशिप, जो सेल एंड परचेज करते हैं हम कार्स एंड बाइक्स की। तो अभी सारे ही जानते हैं जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में हम सब अपने घर बैठे हैं। और पहले मुझे थोड़ा टाइम पहले कोविड हुआ था, तो उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलता। बट मैं अपनी अपार्टमेंट की पार्किंग में आया और मैं आपको कुछ अपना स्टॉक दिखाऊंगा जो मेरे पास खड़ा है घर पे। ये सारा मेरी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, बाकी जो मेरी दुकान की गाइस, मैं अपनी पार्किंग में खड़ा हूँ। ये मेरी अप्रीला है, 2019 मॉडल है, फैंसी नंबर है 125 नंबर। इस स्कूटी से मैं काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, ऋषिकेश, शिमला, मसूरी ले जा चुका हूँ उसको। 150 सीसी है, आप सब जानते हैं, जैसे स्कूटी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बियागो कंपनी की आती है, 1.25 लाख का बिल आता है इसका, विद ABS मॉडल है। ये 2019 मॉडल है गाइस। ये पैशन प्रो है मेरी, ये 2014 मॉडल है, और ये गाड़ी भी 9000 किलोमीटर चली है सिर्फ। गाइस, मैं दिखाना चाहूँगा अपनी और गाड़ियाँ जो मेरी पर्सनल गाड़ियाँ हैं। ये ब्लॉग्स में मैं इसी से ब्लॉग्स में आया करूँगा। ये मेरी पर्सनल बलिनो है, और ये मेरी होंडा अमेज है, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मिट्टी गिट्टी खा रही है गाड़ियाँ। गाइस, ये मेरी 2019 मॉडल एंटॉक है, जो सिर्फ 3-4 हज़ार किलोमीटर चली है, सिर्फ खड़ी रहती है हमारी ये गाड़ी भी लॉकडाउन की वजह से। ये मेरी 2018 मॉडल एक्टिवा है, ये भी मेरी मिट्टी खा रही है बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। और गाइस, मेरे पे एक स्कूटी पर्सनली, सारी स्कूटी मेरी पर्सनल है, मैं अपनी दुकान की स्कूटी आपको बाद में दिखाऊंगा। ये सब गाइस मेरी 2015 मॉडल मेस्ट्रो है, जो कि सिर्फ 14,000 किलोमीटर चली है। ये सारी गाड़ी मेरे घर की पर्सनल गाड़ियाँ हैं, जो सिर्फ खड़ी रहती हैं, और अभी लॉकडाउन के बाद हमें इसको आपको मैं इन्हीं पर राइड करूँगा। बाकी एक मैं बाइक्स मेरे बहुत सारी आती हैं, काफ़ी बाइक्स आती है, बुलेट, एवेंजर, FZ, अपाची, सारी तरह की बाइक, इंडियन बाइक्स मेरे पास सारी आएंगी। कार्स भी मेरे पास काफ़ी सारी आती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस जैसे कि आप सारे जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन है, तो हमें अपना घर बैठना है, क्या करें घर बैठे कितने देर, क्योंकि मैं 17 अप्रैल से मैं घर बैठा हूँ, 22 अप्रैल को मुझे कोविड हो गया, तब से मैं अपने घर बैठा हूँ गाइस। तो मुझे पता है मैंने कैसे टाइम गुजारा, और आज 25 मई है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई घर बैठे बैठे। तो गाइस, मैं अपना निकला हूँ घर से, चलो एक आधा गेड़ी मारते हैं, काफ़ी टाइम से मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो मैं चलो एक आधा कार ड्राइव करके देखते हैं, काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाई नहीं है। जैसे कि आप सारे देख रहे हैं, सड़कों की हालत बिल्कुल सारी खाली पड़ी है, लोग हैं कम हैं, मतलब क्योंकि जिनको नेसेसरी काम निकलना है घर से वो तो निकल रहे हैं, बट ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे अभी। इस बार सेकेंड वेव ने काफ़ी लोगों की जान ली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि काफ़ी हमारे रिलेटिव्स भी एक्सपायर हुए हैं, और इवन मुझे कोविड हुआ था तो मेरी भी हालत बहुत ख़राब रही थी गाइस। जब हम एंटर कर रहे हैं रोहिणी का सबसे बड़ा हब, डीसी चौक, जो कॉलेज स्टूडेंट्स, बड़े जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे काम, अच्छी अच्छी दुकानें, ये हमारा हब है। यहाँ पे सारे ही, मतलब जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर 17 होता है, वैसे ही हमारा ये रोहिणी का हब है, डीसी चौक। काफ़ी ही अच्छी जगह, कभी लॉकडाउन से पहले इस जगह में रौनक इतनी होती थी कि एक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। इस लॉकडाउन ने हमारा सारा का सारा एंटरटेनमेंट का डोज खा लिया। देखो भाई, सारे गेट्स बंद हैं, थोड़ी बहुत सब दुकानें बंद हैं, एक आधी दुकान खुली है, और ये देखो गाइस सारा सब बंद है डीसी चौक। वरना मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। जैसे चंडीगढ़ सेक्टर 17 में डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में रश रहता है ना, तो गाइस ये हमारी डीसी चौक की मार्केट है, आपको दिखाऊंगा खोल के। ये देखिए गाइस, सब खाली पड़ी है। ये सब देख के लगता है कि हमारे को कोरोना ने सच में खा लिया है। आज हम फिर भी थोड़ा बहुत जो जिंदा हैं, बट
परेशान बहुत हैं क्योंकि सब रौनक चली गई है, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चली गई है, इवन हमारी भी, हम खुद खाली हैं इस टाइम, बिजनेस नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं, हमारी शॉप्स बंद हैं। ये देखिए गाइस, सारी दुकानें बंद हैं। गाइस मेरा मेन मोटिव यही था यूट्यूब पे आने का कि मैं अपना जो बिजनेस करता हूँ कार्स एंड बाइक सेल एंड परचेज, तो उसमें अपने जो मेरे से कस्टमर्स जुड़े थे उनकी वीडियोस दिखाऊं आपको, और जो मेरे पास स्टॉक आता है मैं उसकी वीडियोस दिखाऊं आपको कि क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या उनकी डिटेल्स है, क्या क्या प्राइस है, सारा कुछ दिखाऊं आपको मैं। और जो मेरे से मेरे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, मैं उनको भी, कोई अपनी बाइक लेना चाहता है या कोई गाड़ी लेना चाहता है, तो उसकी भी मैं आपको सारी डिटेल आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मेरे कमेंट से बनाया करूँगा, ठीक है। बाकी जो कार्स एंड बाइक्स की डीलरशिप वाला काम है वो तो मैं आपको सारा शोरूम्स में दिखाऊंगा कि न्यू बाइक कौन सी लॉन्च हुई है, तो वो भी मैं आपको सारा स्टॉक बताया करूँगा। रही बात जो कुकिंग की है, जो जो मुझे आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है, मैं आपको सारा अपना दिखाया करूँगा और इंस्पायर हूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने मुझे जो 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 मेरे से यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों से मैं काफ़ी इंस्पायर जिनसे हुआ हूँ मैं, उनकी भी थोड़ा उनका नाम लेके, गौरव जोन जी का और अपना जट प्रभजोत, ये सारे हैं, मिस्टर इंडियन हैकर, ये सारे जो मेरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों से इंस्पायर हो के, थोड़ा बहुत इन लोगों से सीख सीख के मैं यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज मेरे को यही था कि अपना मोटो कि थोड़ा सा अपने आप को रिप्रेजेंट करना और थोड़ा सा अपनी YouTube पे आके अपने आप को थोड़ा सोशलाइज़ करना, मेरा मन था कि मैं इस चीज़ को थोड़ा अपना सीरियसली लूँ और इस लाइन में थोड़ा सीरियस हो जाऊँ उस काम को लेके। तो गाइस तब तक के लिए सत श्री अकाल सारे, खुश रहो सारे, इंजॉय करो और स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपनी फैमिली को टाइम दो, फैमिली से एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो।